डिफरेंस का एनालिसिस। पिछले क्लास में हम लोग इंडिफरेंस कर्व क्या है ये थोड़ा सा चर्चा किए थे। वास्तव में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट और खासकर मार्शल का जो पॉइंट ऑफ व्यू था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को देखने का, यूटिलिटी अप्रोच, तो यूटिलिटी अप्रोच को बाद में मॉडर्न इकोनॉमिस्टों में उसको नकारा और कुछ पॉइंटों पर उसका ऑब्जेक्शन था, जिसके कारण से बाद में उन्होंने एक इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को दिया एलेनोर हिक्स नाम के इकोनॉमिस्ट ने। इंडिफरेंस कर्व क्या है, पिछले क्लास में हमने देखा था बजट शेड, बजट लाइन, प्रिफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, और हमने देखा था कि बजट शेड में बहुत सारे बंडल्स होते हैं जो कंज्यूमर को मार्केट में अवेलेबल होता है। तो बजट शेड के ऐसे बंडल्स जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको इंडिफरेंस, या उन बंडलों का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जब कर दिया जाए तो वो इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाएगा। डिफिनेशन के तौर पर यह लिखा है कि इंडिफरेंस कर्व इज द कर्व विच रिप्रेजेंट ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज विच गिव सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा चर्चा किया था कि बाजार बजट शीट के जो बहुत सारे बंडल्स हैं तो उन बंडलों में कुछ ऐसे बंडल्स होते हैं जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। कल हम लोगों ने इस पर थोड़ा डिटेल्स चर्चा भी किया था। तो ऐसे बंडल्स जिस पर कंज्यूमर को समान सेटिस्फेक्शन मिला, जैसे हम मार्केट जाते हैं तो कई बार कंजप्शन के दौरान हम तय नहीं कर पाते कि हम क्या कंज्यूम करें और क्या नहीं। उसके पीछे का कारण होता है कि मान लो कोई दो गुड्स है, तीन गुड्स है और हम सोचते हैं कि अब इनमें से किसको कंज्यूम करें, तो इसके पीछे का कारण होता है कि हमको वो सभी समान यूनिट का सेटिस्फेक्शन दे रहा है। जैसे खाते समय यदि हम रोटी और चावल में किसको प्रेफर नहीं कर पाते कि हम रोटी खाए या चावल, तो इसका मतलब है कि दोनों हमको समान लेवल का सेटिस्फेक्शन दे रहा है, इसलिए हम तय नहीं कर पाते। तो कंजप्शन के दौरान कंज्यूमर जब कंजप्शन किसी दो गुड्स का कर रहा है तो ऐसे कई बंडल्स मिलेंगे मार्केट में, उनका कॉम्बिनेशन मिलेगा जिस पर कंज्यूमर तय नहीं कर पाता कि किसको कंज्यूम करे किसको नहीं, क्योंकि उन सभी पर उनको समान लेवल का सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ऐसे बंडलों का ही डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो है वो इंडिफरेंस कर्व। इसको हम लोगों ने पिछली क्लास में देख भी चुका था, आज हम लोग उसको आते हैं कि एजम्पशंस मान्यताएं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो सबसे पहली मान्यता है वह है कि द कंज्यूमर इज रेशनल। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए, रेशनल, रेशनल जागरूक। रेशनल कंज्यूमर का मतलब क्या है, तो ध्यान से रखना चाहिए कि कंजम्पशन के दौरान कंज्यूमर जिन गुड्स या सर्विस को कंज्यूम कर रहा है उससे मिलने वाला सेटिस्फेक्शन और उसकी परिस्थिति, वो किस परिस्थिति में कर रहा है, बाजार की स्थिति क्या है, गुड्स का स्थिति क्या है, तो बाजार और कंजम्पशन की परिस्थितियों का आकलन कर करके और तब अपने सेटिस्फेक्शन के आधार पर यदि वो कंज्यूम कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंज्यूमर जो है वो रेशनल है। मतलब रेशनल कंज्यूमर हमेशा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन की खोज करता है और मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपने दिए गए इनकम लेवल, मार्केट प्राइस, बाकी परिस्थितियां, गुड्स का क्वालिटी, इन सब चीजों पर और भी अन्य कई परिस्थितियां हो सकती हैं जिनके आधार पर वो तय करता है कि उसको क्या कंज्यूम करना है और क्या नहीं। यदि इन सारी परिस्थितियों का आकलन करके वो कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो कंज्यूमर रेशनल है। तो इंडिफरेंस कर्व या यूटिलिटी अप्रोच में भी हमारा जो कंज्यूमर होगा वो रेशनल होगा, जागरूक होगा, ये पहला कंडीशन है। मतलब कंज्यूमर लेजी नहीं होना चाहिए, जैसा मिला जिस परिस्थिति में मिला उसको कंज्यूम कर रहा हो, तो उसे ऐसे कंज्यूमर के बिहेव का हम अध्ययन नहीं करते। दूसरा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी आर गिवन। गिवन मतलब कॉन्स्टेंट। ड्यूरिंग कंजम्पशन कंज्यूमर का इनकम और प्राइस ये दोनों कॉन्स्टेंट होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अब इस पर हम लोग पिछले यूटिलिटी अप्रोच में भी चर्चा किए थे, ये जो एजम्पशन है दोनों ऊपर वाला ये यूटिलिटी अप्रोच में भी था, वहां भी कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए। इनकम और प्राइस ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो कंज्यूमर के डिमांड को, उसके कंजम्पशन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है और ये इस कारण से यहां कहा गया कि कंज्यूमर का इनकम ड्यूरिंग कंजम्पशन और प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये दोनों कॉन्स्टेंट होगा। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस ऑफ द कमोडिटी ये दोनों कॉन्स्टेंट होगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि कंजम्पशन के दौरान यदि चेंज होता है
वो सीधे असर पड़ेगा उसके कंजम्पशन पर और कंज्यूमर वहां स्वाभाविक अपना आचरण या व्यय प्रदर्शित नहीं कर पाएगा। तीसरा है कंज्यूमर कैन रैंक और ऑर्डर द सब्जेक्टिव यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम द कमोडिटीज। ये यूटिलिटी अप्रोच का है और यही वो मूल पॉइंट है जो यूटिलिटी अप्रोच के जगह पर रैंक हम लोगों ने मार्शल्स के व्यू में ये देखा था कि यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव मैटर है, साइकोलॉजिकल है, ये सही है। मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने भी इसको एज इट इज एक्सेप्ट किया कि यूटिलिटी साइकोलॉजिकल और सब्जेक्टिव है, मनोवैज्ञानिक है और व्यक्तिगत है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। लेकिन जब उसकी मेजरमेंट की बात आई थी तो हम लोगों ने पिछले एक वीडियो में हम लोग चर्चा भी किए थे कि मेजरमेंट के दो अप्रोच था, एक कार्डिनल और दूसरा ऑर्डिनल। मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच से मेजरमेंट किया, बाद के मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने इसी बिंदु पर उनका जो मतभेद था या उनका ऑब्जेक्शन था कि हम यूटिलिटी को कार्डिनल अप्रोच में मेजरमेंट नहीं कर सकते, मतलब उनको हम टर्म्स में, नंबर्स में, संख्याओं में हम उसको नहीं मेजरमेंट कर सकते क्योंकि वो सब्जेक्टिव है और दूसरा है कि साइकोलॉजिकल है। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्टों ने ये कहा कि यूटिलिटी को कार्डिनल के जगह पर हम ऑर्डिनल अप्रोच में मेजरमेंट कर सकते हैं, मतलब रैंकिंग करना, ऑर्डर देना। पिछले में हम लोग इस पर चर्चा किया था कि हम जब यूनिट वाइज उसको कंज्यूम करेंगे किसी कमोडिटी का, तो यहां हम जब बंडल्स को कंज्यूम करेंगे तो हम एक रैंक दे सकते हैं कि किससे हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उसको संख्याओं के रूप में नहीं रैंकिंग के रूप में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, हम किसी गुड्स का 10 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 2 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, 3 यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, तो पहले यूनिट से हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला उसके कंपैरिजन में दूसरे यूनिट से हमको कितना सेटिस्फेक्शन मिला, कम या ज्यादा, फिर तीसरे में उसके कंपेयर में क्या कर रहा है। तो ऐसे जिन गुड्स या सर्विस को हम कंज्यूम कर रहे हैं तो हम एक रैंकिंग कर सकते हैं। मान लीजिए हम रोटी और चावल खा रहे हैं तो हम एक रैंकिंग कर सकते हैं कि हमको किससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला, चावल से ज्यादा या रोटी से ज्यादा। ऐसे रैंकिंग करना, कितना मिल रहा है ये नहीं बल्कि उसको एक रैंक करना कि हमारे लिए नंबर वन कौन, फर्स्ट पोजीशन पे कौन, सेकंड पोजीशन पे कौन आ रहा है, ये किया जा सकता है जो एक व्यावहारिक भी है। तो एलन और हिक्स ने इन्हीं बिंदुओं पर जो ऑब्जेक्शन किया और उन्होंने कहा कि यूटिलिटी को रैंकिंग या ऑर्डिनल ऑर्डर में ही रैंक किया जा सकता है, ऑर्डिनल ऑर्डर में ही उसको मेजरमेंट किया जाएगा। इसलिए डिफरेंस कर्व अप्रोच का जो एसेंशन है कि कंज्यूमर कैन रैंक और ऑर्डर द सब्जेक्टिव यूटिलिटीज, मतलब कंज्यूमर जिस कंजम्पशन को कर रहा है वह अपने लिए उसको रैंकिंग कर सकता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार का रैंकिंग करेगा, उसको ये नहीं कहेगा कि इससे आपको 10 या 5 या 6 के बराबर में सेटिस्फेक्शन मिलता है। फिर है कि कंज्यूमर हैज मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। पिछले क्लास में हम सबने चर्चा किया था मोनोटॉनिक प्रेफरेंस किसको कहेंगे, मतलब कंज्यूमर जिस बंडल को अपने लिए चुना है कंजम्पशन करने के लिए, मार्केट में उसके लिए जितने बंडल्स अवेलेबल है उनमें से जिसको वो चुना है वो सुपीरियर बंडल होना चाहिए। कल हम लोग चर्चा किए थे पिछले में कि बजट शेड का वो बंडल जिसको कंज्यूमर चुनता है, प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर है, और वो बंडल यदि बाकी बंडलों से सुपीरियर है तो कहेंगे कि कंज्यूमर का पसंद मोनोटॉनिक है। तो हमारा जो यहाँ डिफरेंस कर्व अप्रोच के लिए जो कंज्यूमर होगा उसका पसंद जो है वो मोनोटॉनिक होगा, मतलब वो हमेशा अपने लिए उपलब्ध बंडलों में से सुपीरियर बंडल को ही कंज्यूम करेगा। फिर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हैज ऑलवेज ए डिमिनिशिंग ट्रेंड, MRH। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा, मार्जिनल शब्द है तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब हम किसी एक गुड्स का एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो उसका दूसरे गुड्स के कंजम्पशन पर क्या असर पड़ता है, घटता है या बढ़ता है, उसका जो डिफरेंस है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का नाम से जाना जाएगा। इस और यूनिट में भी हम लोग इस पर चर्चा, यूनिट वन में भी चर्चा हुआ होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या कहते हैं, क्या है। तो जो MRH है जिसको हम MRT भी कह सकते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पर हम लोगों ने यूनिट वन में इसको MRT के रूप में देखा होगा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब हम किसी एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का घटाना पड़ेगा क्योंकि दूसरे से हमको जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उसको ट्रांसफर करना पड़ता है, इसलिए वहां उसका नाम था मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि जब हम किसी एक गुड्स का कंजम्पशन बढ़ाएंगे
तो निश्चित रूप से हमको दूसरे का कंजम्पशन जो है वो कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इनकम कॉन्स्टेंट है। तो इस नाते से वो MRS है, और MRS जो कहता है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो ऑलवेज डिमिनिशिंग रेट होगा, घटता हुआ होगा। तो ये assumptions इन मान्यताओं पर हमारा आधारित है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। अब इस इंडिफरेंस कर्व का जो एनालिसिस एक्सप्लेनेशन है जो आप लोगों ने देखा, तो हम उसको एक टेबल से देख सकते हैं। यहाँ पर कॉम्बिनेशंस ए बी सी डी, फिर कॉमोडिटी एक्स और वाई, चाहे आप उसको गुड वन गुड टू कहेंगे। तो एक्स और वाई, यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो पहला बंडल है ए, उसमें एक्स का 1 यूनिट और वाई का 20 यूनिट्स है। जो एक्स वन और एक्स टू, हम लोगों ने पिछले क्लास में लिखा था कि बंडल जो है वो एक्स वन और एक्स टू। तो ये जो बंडल्स है जिसमें गुड वन का क्वांटिटी ऑफ गुड वन और क्वांटिटी ऑफ गुड टू, तो इन दो बंडलों का जो कॉम्बिनेशन है वही ये बंडल यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अनुसार एक्स वन यहाँ पर 1 यूनिट है, तो एक्स टू यहाँ पर 20 यूनिट्स है। दूसरा बंडल बी है जिसमें एक्स वन 2 यूनिट और ये 16 यूनिट। तो इस तरह से ये बंडल्स जो है, इन बंडलों का कंज्यूमर जो है वो मार्केट में कॉम्बिनेशन है। और बंडल बजट शेट में जो बहुत सारे बंडल्स हैं, उसमें मान लेते हैं कि ये 4 बंडल ए बी सी डी है, इन बंडलों पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो ऐसे बंडल्स जो है उनका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा वो इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाएगा। और तब हम, अभी हमने स्केल नहीं बनाया है, वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस पर आप स्केल बना कर करके जब इस लोगे, तो आपको हर बंडल का एक पॉइंट आपको मिलेगा ग्राफ पेपर पर, जो बंडल ए बी सी डी, और इनको जब हम मिलाएंगे तो इनका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होगा ये इंडिफरेंस कर्व के नाम से जाना जाएगा। ये है हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व है, इसमें आप देख सकते हो कि ये इंडिफरेंस कर्व ए बी सी डी है, तो ये 4 वो बंडल्स हैं जिस पर कंज्यूमर को समान लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके बाद इंडिफरेंस कर्व का जब क्वेश्चन आता है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस या कंज्यूमर, केवल आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एक्सप्लेन करने के लिए है, तो उतना काम तो अपना हो चुका है कि उसका डेफिनेशंस, एजम्पशंस और फिर उसका एक्सप्लेनेशन। अब अलग से क्वेश्चन आ सकता है और उसमें अटैच भी हो सकता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये भी अपने को समझना है, क्योंकि उसके आधार पर ही आगे हम लोग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बात कर पाएंगे। फिर है कि ये सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या आपको इंडिफरेंस कर्व के साथ भी उसको अटैच कर करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा वो डाउनवर्ड होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो डाउनवर्ड स्लोप का होने का मतलब क्या है, तो आप गौर से ये टेबल देख रहे हैं, तो यहां देख रहे हैं कि पहला बंडल में भी गुड वन 1 यूनिट है और वाई 20 यूनिट्स, तो अगला कॉम्बिनेशन जब जा रहा है तो गुड वन का क्वांटिटी बढ़ रहा है और गुड टू घट रहा है, फिर अगला जा रहा है तो गुड वन यदि बढ़ रहा है तो गुड टू घट रहा है, मतलब एक का क्वांटिटी, गुड वन का क्वांटिटी यदि बंडलों में बढ़ता है क्रम से तो दूसरे का घटता है। इसके पीछे का कारण क्या है कि कंज्यूमर का इनकम जो है वो फिक्स है, कॉन्स्टेंट है, इसलिए अपने दिए गए इनकम के आधार पर ही उसको बंडल्स के कॉम्बिनेशन तय करने हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसी इनकम और उसी प्राइस पर उसको परचेजिंग करना है। इसलिए बंडल्स में एक का क्वांटिटी यदि बढ़ेगा गुड वन का तो गुड टू का घटेगा, और गुड टू का बढ़ेगा तो गुड वन का घटेगा। तो ये जो इन दोनों में जो अपोजिट रिलेशन है, एक बढ़ना तो दूसरे का घटना, तो इस अपोजिट रिलेशन के कारण से डिमांड कर्व जो हो जाता है वो कैसा होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये सेफ है डिमांड कर्व का, और यही सेफ है इंडिफरेंस कर्व का भी। तो ये इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होगा, मतलब ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा इस तरह से, अपवर्ड राइजिंग नहीं होगा। अपवर्ड राइजिंग मतलब यदि दोनों में सेम डायरेक्शन में चेंज होता, एक बढ़ता तो दूसरा भी बढ़ता, एक घटता तो दूसरा भी घटता, तब तो अपवर्ड राइजिंग होता, ऊपर की ओर जाता, लेकिन ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। तो ये पहला है कि इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। दूसरा है एन इंडिफरेंस कर्व आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन के पास कॉन्वेक्स होना, इसको थोड़ा सा हम लोग समझ सकते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का कॉन्वेक्स होना
तो कॉन्वेक्स होने का मतलब क्या है? तो इस तरह से हमारा इंटरफेरेंस कर रहा है। कॉन्वेक्स का मतलब है कि एमआरएस जो है वो घट रहा है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या एमआरटी ये घटता है। तो इंटरफेरेंस कर यहां पर सीधा बता दिया गया कि एमआरएस घट रहा है। एजम्पशंस में भी हम लोगों ने लिया है कि एमआरएस डिमिनिशिंग ट्रेंड, उसमें घटने की प्रवृत्ति होगी, और यही एमआरएस का घटना जो है वो कर्व को कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ओरिजिन हमारा यहाँ है, इस पर ये खींच लेता है, इसको कॉन्वेक्स कर देता है। ये इसको हम लोग एमआरटी यदि निकालने का देखें तो इस तरह से हम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ते हैं, मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो यहां से यहां जो है ये वाई एक्सिस है, तो ये डेल्टा वाई हो गया चेंज इन वाई, मतलब आप देख सकते हैं कि ये यहां से घट कर करके वाई का मात्रा इतना घटा, तो ये डेल्टा वाई है और ये अपना डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, फिर आप जब नीचे की ओर जाते हैं तो ये आपका डेल्टा एक्स हो जा रहा है और ये डेल्टा वाई, फिर आप नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये आपका डेल्टा एक्स हो जा रहा है। इस तरह से जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, मान लो हमारा ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो इन अलग अलग पॉइंटों पर यदि हम एमआरटी या एमआरएस कैलकुलेट करें तो हम यहां पर ए बी सी डी, ये मान लीजिए पी क्यू आर ले लेते हैं ये पॉइंट, तो ये जो है यहां पर हम यदि मान लें सपोज कि एपी इज इक्वल टू बी क्यू और इज इक्वल टू सी आर, ये हमने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ग्राफ के ऊपर पर एपी बी क्यू और सी, मतलब चेंज इन वाई, डेल्टा वाई सेम है सभी जगह पर, तो जब डेल्टा वाई सेम है और डेल्टा एक्स, तो एमआरएस इज इक्वल टू या एमआरटी इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो ये इसका फॉर्मूला है एमआरएस का, डेल्टा वाई चेंज इन वाई विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। तो यहां आप सब देख रहे हैं कि ए से बी पर जब हम आ रहे हैं तो डेल्टा वाई सब सेम है, कॉन्स्टेंट है, लेकिन यहां पी बी आप देख रहे हैं, पी बी जो डेल्टा एक्स है, बी से जैसे सी पर आ रहे हैं तो क्यू सी, तो ये बड़ा हो जा रहा है, पीबी के कंपैरिजन में क्यूसी जो है वो बड़ा है चेंज। फिर इससे जैसे हम डी पर आ रहे हैं तो डेल्टा के आर क्यू, ये हमारा आर डी है, ये बड़ा हो जा रहा है, मतलब हम ऊपर से नीचे की ओर आ जा रहे हैं तो डेल्टा एक्स का साइज बड़ा होता जा रहा है, और जब डेल्टा एक्स बड़ा होगा डेल्टा वाई कॉन्स्टेंट होगा, तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे एमआरएस जो है वो क्या होगा घटेगा। तो इसलिए ये कहता है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, क्योंकि यदि एमआरएस हम लोग देख सकते हैं कि यदि एमआरएस का और स्वरूप क्या हो सकता है या एमआरटी या एमआरएस उस पर क्या प्रभाव डाल सकता है, तो यदि एमआरएस या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यदि बढ़ता है तो कर्व जो हमारा होगा वो कॉन्केव टू द ओरिजिन हो जाएगा, इस तरह का होगा। यहां पर एमआरएस आप निकालेंगे तो ये डेल्टा एक्स कम होता जाएगा और इसके कारण यदि एमआरएस जो होगा वो बढ़ना शुरू होगा, और यदि एमआरएस बढ़ रहा है तो कर्व कॉन्केव टू द ओरिजिन होगा, एमआरएस यदि घट रहा है तो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, और यदि तीसरा जो कंडीशन होता है एमआरएस का कॉन्स्टेंट होना, यदि एमआरएस हमारा कॉन्स्टेंट है तो कर्व जो होगा वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये आपका जो है तीन शेप हो सकता है कर्व का, तीनों कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और तीनों डाउनवर्ड स्लोपिंग है, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन है, एक कॉन्केव टू द ओरिजिन है और दूसरा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। तो यहां जो एजम्पशंस में ये बताया गया कि इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा, वो कॉन्केव टू द ओरिजिन नहीं होगा, और यहां पर जो अपना एमआरएस है वो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट ये या पावर को इक्वल टू वन आएगा। तो यहां पर आप एमआरएस निकालेंगे तो उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, ये हमेशा बराबर रहेगा डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई, तो ना तो इंडिफरेंस कर्व का शेप ये होगा और ना ये होगा, ये हमेशा जो होगा वो क्या होगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन।